अस्सलाम वालेकुम, मैं आज आपको इस तरह का खूबसूरत फ्रॉक दिखा रही हूँ जो अक्सर आपने पिक्स में देखा होगा पार्टी वेयर के हवाले से। ये मैंने स्टिच किया, सिंपल है बहुत। सिर्फ सारा कमाल इस नेट फैब्रिक यानी कि जो लेस है इसका है। ये आप बाय भी कर सकती हैं आराम से, मार्केट में हर शहर से ये लेस मिल जाएगी। ऑर्गेन्जा पे भी होती है, नेट फैब्रिक पे भी। इस तरह से मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक वाली ली, ये कम थी तो हमने सेम ऑर्गेन्जा लेकर इसके साथ अटैच कर लिया। ये देखें इस तरह से। और फ्रंट की बॉडी मैंने ये बनाई है, ये देखें बॉडी बनाई इसी सेम जो कलर है इसी कलर का सीक्वेंस लेकर, जो आपको मैं स्कर्ट्स दिखा रही हूँ आजकल ये फैब्रिक भी वैसा ही है, लेकिन ये मार्केट से लिया गया है स्पेशल कलर की वजह से। ये देखें इसमें बो लगाई गई बैक पर, और इसकी खूबसूरती बो की आप देख रही होंगी कितनी ज़बरदस्त है, और बड़ी सी बो कैन कैन की वजह से खूबसूरत लग रही है। बैक हमने बनाई है इसी लेस फैब्रिक को कट करके इस इनर के साथ, ताकि ये डबल हमने इस तरह से गुम सिलाई बनाने के बाद ये लेस लगाई, उसके बाद ये आर्म होल वगैरह और नेक लाइन स्टिच हो गई। तो ये बहुत ही खूबसूरत। और साइड में हमने लगाए फिटिंग के लिए बेल्ट, डबल बेल्ट दोनों ही साइड में, इस साइड और इस साइड, इसको फिटिंग की वजह से साइड में बन जाए। और फ्रंट पे इस तरह से लग गए हैं फ्लावर, जिससे फ्रॉक बहुत ही प्यारा बहुत ही शानदार सा लग रहा है, बहुत ज़्यादा फ्लेयर वाला। कैन कैन की वजह से तो और भी खूबसूरती आ गई। पहला लेयर हमने इस लेस का लगाया, फिर हमने वाइट ऑर्गेन्जा लगाई, फिर उसके बाद एक नेट फैब्रिक की लगाई, फिर सिल्क फैब्रिक लगाई, फिर उसके बाद एक हमने कैन कैन लगाई। तो इस तरह से ये फ्रॉक बहुत ही शानदार बन गया। इस तरह से ये फ्रंट जो हमने बेल्ट लगाया था, फ्रंट पे छोटे छोटे फ्लावर भी लगाए हैं, ताकि जो ये बेल्ट की सिलाई है सीक्वेंस फैब्रिक पर, सितारा फैब्रिक पे नीट नज़र आए। अक्सर ऐसा होता है इस पे सिलाई लगाते हुए नीट नहीं लगती, तो उसको नीट करने के लिए, दिखाई देने के लिए छोटे छोटे से हमने इस तरह से फ्लावर इसी ऑर्गेन्जा फैब्रिक के लगा कर खूबसूरती इस फ्रॉक की बढ़ा दी। तो ये फ्रॉक वैसे ही लेयर में रियल में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, उसके लेयर भी बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ही फ्लफी सा फ्रॉक, शानदार। कैसा लगा आपको आज का ये फ्रॉक बताइएगा ज़रूर। वो हमें याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।